दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो आज इंडियन ऑयल में बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, मल्टी डिपार्टमेंट के लिए निकली हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो डिफरेंस लोकेशन के लिए हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखें तो आपसे रिलेटिव यहाँ पे कोई ना कोई वैकेंसी पक्का होगी, ठीक है। वीडियो को कट करेंगे तो आप ही खुद वैकेंसी से हाथ धो जाओगे, ठीक है। तो शुरू से एंड तक देखें। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए एक नंबर का मौका है। बहुत लोग कहते हैं मैं जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। पूरा वीडियो देखो दोस्तों। तो यहाँ पे तमिलनाडु लोकेशन के लिए, ठीक है, जहाँ पर देखिए मैं बता दूँ कि ट्रेड अप्रेंटिस फिटर जो लोग हैं, जहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है 121, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है, मतलब कितने टाइम के लिए होगी, तो 12 मंथ के लिए होगी। अब देखो आपका अप्रेंटिस हो जाएगा तो जॉब मिल जाएगी, पक्का है। टोटल 121 अंडरटर में 60 है, 6 EWS में और 22 SC में, ST में 1 और OBC में 32। इस तरीके से वैकेंसी निकली है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मकैनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मकैनिक और मकैनिक्स। तो दोस्तों नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल वैकेंसी बात करूँ तो 78 हैं, ठीक है, जिसमें से 12 मंथ के लिए होने वाला है ये जो पीरियड है। तो 78 वैकेंसी, जो अंडर में 36 EWS में 4, SC में 12, ST में 5 और OBC में 21। यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मकैनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मकैनिक और ये निकला है दोस्तों मकैनिक्स। तो दोस्तों नेक्स्ट है तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी दोस्तों 22 हैं। यहाँ पर देखिए सेम ही है, ब्रांच सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अंडर जनरल में 12 EWS में 1 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है और दोस्तों OBC के लिए 5 है, बस इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, मतलब AP, जो ट्रेड है वही दी हुई है लेकिन सीरीज चेंज है, याद रखना है। तो टोटल वैकेंसी 27 है, 12 मंथ का यहाँ पर, मतलब 1 साल का ही है भाई अप्रेंटिस। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रिजर्व में दोस्तों 14 है और EWS में 1 है, SC में 4 है, ST में 1 है और OBC में 7 है, मतलब टोटल 27। बात करूँ टोटल वैकेंसी तो 248 वैकेंसी है, मतलब बहुत अच्छा खासा वैकेंसीज है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों चिंता मत करें, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप कैसे अप्लाई करोगे वो भी बताऊँगा, बने रहिए यहाँ पर पूरा वीडियो देखने के लिए। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि भाई कितना होना चाहिए, कोड क्या है, 2 ईयर का है कि क्या है, कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया ऑलरेडी 1, 6, 11, 16 जो हैं वो दोस्तों 2 ईयर का IT फिटर से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जॉब कोड है 2, 7, 12, 17 IT इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, 3, 8, 13, 18 IT इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट है दोस्तों 4, 9 और 14 और 19 कोड जो है वो 2 ईयर IT इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, इसे मतलब हाई स्कूल और IT दोनों इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 5, 10, 15, 20, तो यहाँ में क्या है कि मकैनिक्स से होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये आपका जो टाइम है, डिस्टेंस लर्निंग अगर आपके पास है, यहाँ पर दिया क्वालिफिकेशन पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड्स, तो यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। एज पर फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन, तो आपका फुल टाइम कोर्स, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ दी हुई है कि 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं रोका जाएगा, सीधा सीधा 1 साल से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, आपका जो क्वालिफिकेशन है डिस्टेंस लर्निंग है या कोई आपने पार्ट टाइम किया है तो वो यहाँ पे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने यहाँ पे BE, BTEC कुछ ऐसा करके लगा रहे हैं, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, तो भाई
यहाँ पर नहीं लगने वाला, ये ध्यान रखें। यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो 24-18 से 24 ईयर एज लिमिट, 31-12-2019 के हिसाब से काउंट होगी। SC ST के लिए 5+ कर दीजिए, OBC के लिए 3+ करके यहाँ पे एज लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं सिलेक्शन मेथड क्या है, तो सिलेक्शन मेथड रिटन टेस्ट होगा और आपका एक होगा मीटिंग, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बिठा दिया जाएगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या आने वाला है, जैसे बेसिक इंग्लिश, रीजनिंग, हाँ, एप्टीट्यूड, जो भी है वो चीज़ यहाँ पर टेक्निकल रहेगा आपका, ये चीज़ आएंगी। रिटन टेस्ट मिनिमम 40% बाई 5% कैंडिडेट फ्रॉम SC ST कैटेगरी। अब बात आती है कि इसे भरें कैसे, देखिए ये भी बात एक है तो वो भी बताऊंगा। तो ये जो आपको सारी क्राइटेरियाज करने हैं वो दोस्तों 27 जनवरी 2020 के शाम को 5 बजे से पहले पहले पूरा काम कर देना। इंस्ट्रक्शन दी हुई इन्हें ज़रूर पढ़ें, मैं यही बोलूँगा कुछ भी छोड़ा नहीं, वरना क्या है कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो जो लिखी है वो चीज़ यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, तो आपके पास इस फॉर्म को बनने से पहले वो सारी डिटेल्स रहनी चाहिए, जैसे ID, नंबर, वो सारी डिटेल्स, फ़ोटो, जो भी सिग्नेचर्स, वो सारी डिटेल्स रहनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ रहनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो भी हैं, सिग्नेचर, फ़ोटो, वो चीज़ रहनी चाहिए। एक जो साइज़ दिया है यहाँ पर लिखा हुआ, वो साइज़ में पूरी जानकारी दूँगा अभी यहाँ पर रुकी। और आपको अदर क्या क्या चीज़ चाहिए, तो देखो RDAT में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो ज़रूरत है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक और चेकबुक की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 27 जनवरी तक ही चलेगा प्रोसेस, ठीक है। वे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो चीज़ तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये गूगल पर सर्च किया IOCL, ठीक है, IOCL सर्च किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर एक जगह लिखा रहा है अप्रेंटिस, मैं अप्रेंटिस को क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। तो मैंने अप्रेंटिस के लिए क्लिक किया तो इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुल गया। अब देखता हूँ, मैं इसे क्लिक करता हूँ फर्स्ट नोटिफिकेशन को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखिए मैच कर देता हूँ आपके सामने कि ऑलरेडी देखो मैं ओपन नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी MD, IOCL MD, ठीक है। और वहाँ पर भी यही लिखा नोटिफिकेशन पर, देखिए ये IOCL MD। तो हम इसे यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करना तो नीचे अप्लाई लिखा है, अप्लाई भी क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ से अप्लाई स्टार्ट। तो आप जैसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अप्लाई, तो देन आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है तो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसे भरना कैसे वो चीज़, ठीक है। तो लिंक ओपन हो रही, थोड़ा सा स्लो मोश, बहुत स्लो हो गया नेट, उसके लिए खेद है। तो दोस्तों ये खुल गया, तो यहाँ पे आपका जो भी आपसे रिलेटिव है, आप जिसके लिए भर रहे हैं उसके लिए भर सकते हैं। जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भर सकता हूँ, हैं, जहाँ भी जिसके लिए आंध्र प्रदेश के लिए भरना है तो आंध्र प्रदेश के लिए भर सकता हूँ, हैं। मेरे को जो सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने कर्नाटका करना है कर्नाटका कर लिया। नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, वो चीज़, सिटी, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, एजुकेशन,
वो चीज़ यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर्स वो भी हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ भर करके यहाँ राइट जरूर लगाना बाद में कि भाई ये इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो भी हैं वो सही है, तो वो नेक्स्ट करेंगे बाद में। दोस्तों नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर होंगे। आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑल करेंगे तो उससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन सारे के सारे टाइम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।